हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जो सिपेट आईपीटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी आईपीटी भुवनेश्वर उड़ीसा में जो कि है, तो उसका डिफरेंट ब्रांचेस में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसका लास्ट डेट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे सिलेक्शन होगा और कितने पैसे लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में कहूँगा। तो वीडियो को काइंडली आखिर तक देखिए, अगर ठीक लगे तो उसको लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये जो देख लो, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि नॉर्मल साइंस स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बस देख लो, बी टेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बी टेक इन मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एम टेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एम टेक इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एम एस सी इन मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि 5 ईयर्स के लिए और एम एस सी इन पॉलीमर साइंस 2 ईयर्स के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं कि इन सब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ओके चलते हैं। तो देख लो, ये जो बी टेक का है 4 से 4 ईयर्स का है, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पढ़ लो आप अपने हिसाब से देख लो। तो फर्स्ट टेन प्लस टू मतलब प्लस टू आप पास करना चाहिए और ये सब आपका सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ओके, और डिप्लोमा पास्ट इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और ये भी होगा तो चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट बी टेक 4 ईयर्स जो कि मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसका भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, बी टेक लैटरल एंट्री जो कि 3 ईयर्स का, बट ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में, और बी टेक ये भी लैटरल 3 ईयर्स का है जो कि मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख देते हैं। तो आप पढ़ लो, अगर आप इसके अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेटेड एम एस सी फॉर 5 ईयर्स। ओके, जो कि मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 मतलब प्लस टू पास करना चाहिए और आपको ये सब सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। ओके, और ये और एक भी है। नेक्स्ट आगे आते हैं पॉलीमर साइंस, जो कि मास्टर एम एस सी प्रोग्राम इन पॉलीमर साइंस, ये अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट है, ओके बी एस सी ग्रेजुएट है और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, या फिर ये सब सब्जेक्ट्स में कोई भी एक सब्जेक्ट है। ओके, तो और एनी बी एस सी डिग्री विथ केमिस्ट्री, अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं उसके बाद कहूँगा, बस देखते रहिए। नेक्स्ट एम टेक 2 ईयर्स जो कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग और एम टेक 2 ईयर्स पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख लो, बी टेक होना चाहिए और सिक और भी अगर आप एम एस सी इन पॉलीमर साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। ओके, तो अगर आप जेई क्वालिफाइड है तो ये भी होगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है कि आपको उसका ये जो सीपेट का एंट्रेंस देना होगा, तो एंट्रेंस रिजल्ट के बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो जेई मतलब ओ जेई सॉरी उड़ीसा जेई, ओके, जो एडमिशन फॉर उड़ीसा डोमेस्टिक स्टूडेंट्स थ्रू ओ जेई काउंसिलिंग, तो अगर आप ओ जेई क्वालिफाइड है तो होगा, अगर आप चाहे तो क्या एंट्रेंस दे सकते हैं सीपेट का। फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में उधर आपको मतलब जिस ऑप्शन के हिसाब से आप डालेंगे उस ऑप्शन के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है उसका कितना है एप्लीकेशन फ़ी। तो जनरल स्टूडेंट जो है वो 500, SC/ST 250 रुपीज़ है एप्लीकेशन। ओके, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है ये देख लो। ओके, अगर आप जेई मेन क्वालिफाइड है तो उसका जो भी स्कोर कार्ड है उसको अपडेट करना होगा, ये उसका जो मतलब क्या क्या अपडेट करना होगा। लास्ट जो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये जो लास्ट डेट फॉर फिलिंग जुलाई से 2021 और एग्जामिनेशन होगा 4 जुलाई। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, तो आगे है कि उसका जो कोर्स फी स्ट्रक्चर कितना पैसा लगेगा, देख लो। अगर आप बीटेक प्रोग्राम करना चाहते हैं, ओके, तो टोटल आपको ट्यूशन फी 27,000 पर सेमेस्टर, टोटल 2 ईयर्स में 4 सेमेस्टर होगा, तो ट्यूशन फी 27,000, अगेन एग्जामिनेशन फी 1,500, तो एक एक सेमेस्टर में 28,500 रुपीज़ आपको देना होगा। तो ऐसे चार सेपरेट सेमेस्टर होगा, बट ये बस कोर्स फी है, तो आपको हॉस्टल चार्जेस मेस चार्जेस सब अलग है। ओके, ऐसे अगर इंटीग्रेटेड एम एस सी तो देख लो 19,000 फोर सेमेस्टर, तो मास्टर इन साइंस पॉलीमर साइंस 19,000, एम टेक तो 31,500। तो उसके बाद अदर फीस जो है, ये लाइब्रेरी फी, एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, ये सब देना होगा। ओके, और ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी जो ऑनलाइन एडमिशन टाइम के उस टाइम में देना होगा। ओके, ये सब एक एक बार देना होगा, जो एडमिशन फी वन टाइम जो लिखा गया है इधर। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हॉस्टल फी क्या है। तो हॉस्टल फी टोटल नहीं, जो 12,000 है पर सेमेस्टर आपको देना होगा, मेस चार्जेस अलग है।
जो कि मंथली बेसिस में आपको मेस चार्जेस देना होगा, और कॉशन फी जो कि रिफंडेबल है वो 1000 रुपीज़ आपको देना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर मतलब सॉरी अगर कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट मिल सकते हैं, तो काफ़ी सारे मतलब कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये टोटल इतने सारे कंपनी है जो कि रिक्रूटमेंट आपको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।